दोस्तों, रानी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पालक पनीर कैसे बनता है बताऊंगी। बहुत जल्दी पालक पनीर बनेगा। लोग सोचते हैं कि अरे पालक पनीर कैसे बनाएं। आइए झटपट बना के आपको दिखाती हूँ। 250 ग्राम कटा हुआ पनीर, एक बंच पालक का पत्ता है जिसको मैं उबाल ली हूँ, एक बड़ा चम्मच जीरा, एक बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक बड़ा चम्मच पनीर मसाला पाउडर, स्वादानुसार नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, डेढ़ बड़ा चम्मच मिक्स मसाला पाउडर जिसमें काली मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर है, दो बड़ा प्याज कटा हुआ है इसको मैं दरदरा पीस दूंगी, एक बड़ा प्याज जिसको मैं बारीक कट कर ली हूँ, चार बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, दो बड़ा चम्मच बटर, तेल और हींग, 15 लहसुन की कली, 50 ग्राम अदरक, 3 हरा मिर्चा, ये तीनों को मैं नाइस पीस लूँगी। उबला हुआ जो पालक का पत्ता है उसको भी नाइसली पीस लेना है और प्याज को भी पीस लेना है। ये सारे चीज़ को रेडी करके और उसके बाद में मैं अभी बनाने जा रही हूँ। इसमें मैं तेल डालूंगी, पैन में रख दी हूँ, गर्म हो गया है। इसमें 5 से 6 चम्मच तेल डालना है और इसमें मैं जीरा डाल दूंगी, कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा हींग, चुटकी भर अंदाज से हींग डालना है और इसको ब्राउन फ्राई करना है। प्याज फ्राई हो गया था, अभी मैं इसमें जो दरदरा प्याज पीसी हूँ वो लहसुन अदरक और मिर्चा का पेस्ट इसमें मैं डाल दी हूँ। अब इसको डाल के मैं मीडियम आंच पे ब्राउन फ्राई करूँगी। 1 मिनट हो गया, अभी मैं ये पनीर मसाला, हल्दी, गरम मसाला और मिक्स मसाला पाउडर सारा डालने के बाद में मैं स्वादानुसार नमक भी डाल दूंगी और डाल करके थोड़ी देर 1 मिनट तक इसको फ्राई करूंगी। अभी मैं टमाटर को भी नाइसली पीस लूंगी। 1 मिनट हो गया, अभी मैं पीसा हुआ टमाटर डाल दूंगी, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी ताकि वो अच्छा से फ्राई हो। ये थोड़ा फ्राई हो गया है, फिर बाकी का डाल दूंगी। पूरा डालने के बाद में 5 मिनट तक मैं अच्छा से इसको फ्राई करूंगी, क्योंकि जब ये अच्छा से फ्राई होगा तभी टेस्ट आएगा। 5 मिनट हो गया, ये फ्राई हो गया है। अब इसमें पीसा हुआ जो पालक का पत्ता है वो डाल दूंगी और डाल करके अच्छी तरह 2 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी। अभी 2 मिनट हो गया, अभी मैं पनीर को मिला दूंगी। पनीर डालने के बाद में 1 मिनट तक उबला, अभी रेडी हो गया। अभी मैं धनिया पत्ता डाल दूंगी, थोड़ा डालने के बाद में मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। पालक पनीर रेडी हो गया, थोड़ा सा ऊपर से बटर भी डालेंगे। पालक पनीर रेडी हो गया, आप भी इसी तरह बनाइए और ध्यान रहे इसमें मैं बटर डाली हूँ। आपके पास अगर बटर ना हो तो उसके जगह पे आप घी का वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे ही घी डाल दीजिए जैसे बटर डाली हूँ और डाल के बनाइए और खाइए। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय।